नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। रजनीश किरण की रिपोर्ट नालंदा से। सटीईटी परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने नालंदा जिले के नालंदा कॉलेज के समीप प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की। इस मौके पर संघ के सदस्य सोनू कुमार ने बताया कि जब परीक्षा कड़ाई से ली गई तो फिर किस कारण से सरकार परीक्षा को ही रद्द कर दी है। इस तरह का फैसला लिया जाना शिक्षित बेरोजगारों के साथ नाइंसाफ ही करने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 3 माह से कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन में लॉजों और किरायों में रहने वाले छात्र छात्राओं के 3 माह के किराए को राज्य सरकार माफ कराए, क्योंकि यह बच्चे किराया देने में असमर्थ हैं। इसके लिए परिषद के सदस्य जल्द ही जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। विद्यार्थी परिषद यात्री इकाई के द्वारा विगत कुछ दिन पहले स्टेट का रिजल्ट बिहार सरकार ने कैंसिल कर दिया। यह छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है, इसीलिए विद्यार्थी परिषद बिहार सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द स्टेट का रिजल्ट जारी करे। और वर्तमान में बहुत जगह लॉज में रहने वाले छात्रों को भी समस्या हो रही है, उसको बार बार रेंट के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। सरकार से स्पष्ट मांग करते हैं कि रेंट माफ़ करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी करें। और नालंदा जिला में कई ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जो इस विपरीत परिस्थिति में भी छात्रों को नोटिस दे चुके हैं, जो शुल्क अपना देने के लिए, शिक्षण शुल्क है, हॉस्टल शुल्क है, मेस शुल्क है, उनसे स्पष्ट मांग करते हैं डीएम साहब से कि आप जल्द से जल्द इस पर एक निर्देश जारी करें। हम लोग का कमेटी दल जल्द से जल्द डीएम से मिलने का काम करेगा। क्या नाम है? सोनू कुमार, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय।